एट्थ नाइन्थ टेंथ, अगर इन 3 ईयर्स में हमारा मैथमेटिक्स में बेस अगर स्ट्रॉन्ग बन जाए तो हम कल को किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम में जाएं, हम किसी भी फील्ड में जाएं, नॉट नेसेसरली नॉन मेडिकल, नॉट नेसेसरली ओनली मेडिकल या कॉमर्स, कल को हम MBA के एग्ज़ाम दें, हम कल को अपना कोई स्टार्टअप शुरू करें, या हम कुछ भी डिफरेंट फील्ड में जाएं, किसी भी क्रिएटिव फील्ड में भी अगर जाएं, पेंटिंग में या म्यूज़िक में, उन सब की जो कोर अंडरस्टैंडिंग है उसका बेस हमारा इन क्लासेस में बनाता है एक्चुअली मैथमेटिक्स। तो दिस इज़ द एडवांटेज। अब डिफरेंस कहाँ पे है कि अगर हमें ये मैथमेटिक्स में हमारा बेस बन जाए एक्चुअली लॉजिकल लर्निंग के ऊपर, तो हम कल को किसी भी फील्ड में जाएं तो इस लॉजिक ने हमारे साथ रहना है। तो बिल्कुल इन क्लासेस की मैथ्स को ऑब्जर्व करो एज अ लॉजिकल लर्निंग प्लेटफॉर्म, इसको पूरी तरह हमेशा ऐसे सोचो। एक बार हमारी स्ट्रॉन्ग फुटिंग जब इस पर ग्रिप बन गया तो हमें वी एक्चुअली लर्न द आर्ट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। हमें समझ में आता है कि प्रॉब्लम को कैसे ब्रेक डाउन करते हैं। हमें इस बात की एक्सेप्टेबिलिटी बननी शुरू होती है हमारे माइंड में कि अगर हमने कोई मिस्टेक करी दैट इज़ परफेक्टली ओके, क्योंकि मैथमेटिक्स हमें ये स्किल देता है कि गलत करो क्वेश्चन, गलत करो कोई प्रॉब्लम नहीं, कुछ नई बात सोचो। यही कल को रिक्वायरमेंट है इन टू एनी फील्ड। कभी नहीं डरना चाहिए क्वेश्चंस में, अगर हम लोग उनको हैंडल भी करें तो दैट इज़ परफेक्टली ओके, अगर हमसे पहली बार में नहीं भी होते। एग्जैक्टली इसी थॉट प्रोसेस के ऊपर बेस्ड है ट्रू मैथ पूरी तरह। एग्जैक्टली दिस इज़ द प्रोसेस कि हमें समझ में आना चाहिए कि मैथमेटिक्स को हैंडल कैसे करना है। तो दिस विल नॉट ओनली कवर द स्कूल सिलेबस बट इट विल फर्दर प्रिपेयर यू फॉर एनी एग्ज़ाम। मतलब IIT इज़ जस्ट वन पार्ट ऑफ इट, यू एक्चुअली गो इन टू एनी फील्ड, इट विल बी देयर विथ यू फॉर एवर। आई एम सचिन, टीचिंग स्टूडेंट्स फॉर द लास्ट 20 ईयर्स एंड फाउंडर ऑफ ट्रू मैथ।